अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्यू BSS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश 101। तो इसका लेसन नंबर 1 है रीडिंग एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो इसको उन्होंने दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो डिक्शनरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, और दूसरा पार्ट में आपको स्टोरी दिए गए, आपने इसको पढ़ के समझना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग एंड डिक्शनरी। तो यूजेज ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी, हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और डिक्शनरी होती क्या है। तो डिक्शनरी हमने डेफिनेशन ये दी हुई है कि डिक्शनरी जो है सिर्फ ये बुक नहीं है कि जितने भी जो लिस्ट ऑफ वर्ड होते हैं, यानी जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको अपने स्टोर नहीं करती, बल्कि इसके अलावा जो है यूज़र को बताती है किस तरीके से आपने प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से आपने स्पेलिंग में यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके अंदर वो आपको बताती है कि आपने किस तरीके से कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो डिक्शनरी का मकसद ये होता है, तो उसको किस तरीके से बोलना है, उसको किस तरीके से स्पेल करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी का काम होता है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मेंशन किए हुए कि डिक्शनरी के 9 होते हैं यूजेज। ठीक है, देख लेते हैं हम। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है स्पेलिंग। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है प्रोनाउंसिएशन, तीसरा दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच, चौथा दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, पाँचवा दिया हुआ है मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और छठा दिया हुआ है यूजेज लिस्टिक लेबल्स, और सातवा दिया हुआ है सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, आठवा दिया हुआ है फॉरेजिन वर्ड्स एंड फ्रेसेस, और नवा दिया हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और सबसे पहले स्पेलिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें कहा हुआ कि कितने ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको उनको इंग्लिश के स्पेलिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो डिक्शनरी खोलें और वर्ड को चेक करें ताकि उन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि देखें एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, स्पेलिंग के भी काफ़ी सारे स्पेलिंग के भी 2-3 होते हैं वर्ड। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्या स्पेलिंग देख रहे हो, आप डिक्शनरी जाकर देखें ताकि आप लोगों की स्पेलिंग अच्छी हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिए, लुक एट द वर्ड कैटलॉग एंड थिएटर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यू मस्ट हैव नोटिस द डिक्शनरी लाइक। तो डिक्शनरी में जो है आपको कुछ अमेरिकन वर्ड दिया गया होते हैं, कुछ ब्रिटिश होते हैं, कुछ अमेरिकन होते हैं, कुछ US होते हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा स्पेलिंग का चेंज होता है मसला, तो आपको देखना है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ले आए और लेकिन ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आप डिपेंड करते हैं कि हमारे जो है इंटरनेशनल ब्रिटिश होता है यूज़, हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर आप कौन सा एक्सेंट देख रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग सही है। जैसे कि आगे दिया हुआ यहाँ पर देखें एक्सरसाइज दिया हुआ, जैसे कि व्हाट अदर पॉसिबली डिक्शनरी गिव चीज़, जैसे कि सेंटर हो गया, कलर हो गया, सेंटर में CENTER होता है, कहीं CENTER होता है, कहीं कलर COLOR होता है, कहीं कलर COLUR होता है। ठीक है, हम लोग इस पर लड़ रहे होते हैं, तो दोनों सही होते हैं, फर्क होता है एक ब्रिटिश एक्सेंट का फर्क होता है, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश का। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आगे प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्टूडेंट है प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश पर। ठीक है, स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किल होती है इंग्लिश बोलने में। ठीक है, तो डिक्शनरी जो है आपका बड़ा अहम रोल अदा करती है आपको प्रोनाउंसिएशन करने में, पीछे करके दिए हुए तोड़ तोड़ के लिखा होता है कि आप पढ़ें। ठीक है, तो आपको डिक्शनरी काफ़ी हेल्प देती है आपकी प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में होता है कि हर डिक्शनरी पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करती है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, ट्रांसलेटिव इंट्रांसलेटिव वर्ब होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब कंजेक्शन प्रीपोजिशन, ये सारे क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल होता है। ठीक है, ये डिक्शनरी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ अ वर्ड क्या होता है, ओरिजिन बोलते हैं स्टार्ट को शुरू को। ठीक है, सब डिक्शनरी इंडिकेट द ओरिजिन, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं काफी नए नए वर्ड आए होते हैं या काफी पुराने वर्ड होते हैं, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करने, तो ओरिजिन ऑफ अ वर्ड दिया जाता है डिक्शनरी में। ठीक है, कि ये इंग्लिश वर्ड है, पहले इसके मीनिंग कुछ और था, इसके मीनिंग कुछ और, इस तरीके से उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। आगे दिए मीनिंग एक्सप्लेनेशन, तो वही कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिक्शनरी प्रोवाइड्स अबाउट अ वर्ड इस मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड के ढेर सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, और एक बस कहने और एक वर्ड के भी एक मीनिंग होते हैं, लेकिन उसको भी अगर आप कई जगह यूज़ करें तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर अभी इतिहास से डिक्शनरी को पढ़ना होता है कि एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं जब आप डिक्शनरी यूज़ करें तो आप उसके अबव लो देखें, चेक करें कि भाई ऊपर भी चेक करें, नीचे भी चेक करें, उसके सेम मीनिंग क्या है, ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो, आपको सिर्फ एक वर्ड नहीं इसके अलावा भी और वर्ड आपको याद हो जाए। ठीक है, उस तरीके से आपकी स्किल्स अच्छी इंप्रूव होगी, आपकी उस तरीके से इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, आपकी स्पेलिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने एक एक्सरसाइज ये भी आ गया, तो आप कह रहे हैं कि आप डिक्शनरी में जाएँ, ये वर्ड मालूम करें फास्ट एंड साइड। ठीक है, और इसके डिफरेंट मीनिंग चेक करें। ठीक है, तो ये आपको दिया गया इस तरीके से, आगे आपको दिया गया कि डिक्शनरी यूज़ करें और प्ले की मीनिंग यूज़ करें। ठीक है, अब देखें यहाँ उन्होंने वर्ड किया हुआ, फिर उन्होंने ऊपर बात यही कहती प्ले, अब प्ले की मीनिंग होता है खेलना। अब देखें उन्होंने 6 सेंटेंस में यूज़ किया हुआ प्ले को, जिसके डिफरेंस मीनिंग है द बॉयज़ लाइक टू प्ले ऑन द हार्ड कोर्ट। ठीक है, आम ना भी प्ले द सितार इन द कॉन्सर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्ले की मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। ठीक है, तो आपको एक ही वर्ड को डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसके मायने हो जाते हैं अलग, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। ठीक है, काफ़ी इतिहास से इसलिए वो कहते हैं कि डिक्शनरी का यूज़ करें तो आप एक वर्ड देखें तो उसके आगे पीछे मिलते जाते वर्ड है वो आप देखें। ठीक है, देखिए यूजेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, जब आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो उसका आगे लिखा होता है भाई ये ब्रिटिश वर्ड है, ये अमेरिकन है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल वर्ड है, ये कोलोकियल है, ये प्लूरल है, ये पोएटिक है, ये स्लैंग वर्ड है, स्लैंग होते हैं जो नाज़ेब अल्फाज होते हैं, ये वर्ड होते हैं। ठीक है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ आगे लिखा होता है ये वर्ड ये है। ठीक है, तो आपको डिक्शनरी काफ़ी हेल्प करते हैं लेवल्स के फॉर्म में, यानी आपको लेवल्स दिया गया होता है।
समटाइम कुछ वर्ड्स भी होते हैं, कुछ डायलेक्ट किया होता है। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि डिक्शनरी जो है सिर्फ आपको वर्ड्स नहीं, आपको फ्रेज इडियम्स टू वर्ड्स वगैरह भी आपको दे रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि नए वर्ड जो आते हैं वो भी, इसके अलावा जो वर्ड जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसको लेबल किया होता है, उसने आर्ट्स की फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है, और ऑब्सोलेट यानी जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने शो किया हुआ है, मेंशन किया होता है कि भाई ये पोइट है, ये स्लैंग वर्ड है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है, आपको ये मेंशन किया हुआ था, उसने बोल दिया डायलॉग, ठीक है। अब आपको ये कुछ सेंटेंस दिया गया, उसको बोल रहा है कि इडियम्स टू वर्ड्स पर फ्रेज पर नॉन वर्ड, ठीक है। आप कुछ सेंटेंस दिया गया, उसमें वो बोल रहा है, इसमें डिक्शनरी में जाकर फाइंड करो इसमें से इडियम्स कौन सा है, टू वर्ड कौन सा, फ्रेज कौन सा, नॉन फ्रेज कौन सा, ठीक है। तो ये आपको क्या है फाइंड करने के, ठीक है। आगे दिया हुआ है स्ट्रिक और यूजेज लेबल्स, ठीक है। तो आपको डिक्शनरी में वही लेबल्स दी गई होती हैं, आपने जाकर देखना होता है भाई लेबल्स में आके लिखा होता है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। लेबल्स में सिर्फ ये बताया गया है कि आप एग्जाम्पल देखें आगे, आपको एक कह रहे अगर गैर सा कूल है तो यहाँ पे क्या है, स्लैंग है, इनफॉर्मल है या ये वर्ड है, ठीक है। तो आपको डिक्शनरी जाकर फाइंड करना क्या है उन्होंने। आगे देखें, आगे लिखा है सिनोनियम एंड एंटोनियम। सिनोनियम क्या होते हैं, इनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, ठीक है, यानी एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एंटोनियम क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, अपोजिट यानी सही गलत, यानी अपोजिट, ठीक है। इस तरीके से सिनोनियम होता है, एंटोनियम होता है। तो सिनोनियम और एंटोनियम भी डिक्शनरी में दिया गया होता है, मेंशन कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर डिक्शनरी में आपको सिनोनियम एंटोनियम मौजूद हो। वो आप ये भी कह रहे हैं कि भाई समटाइम ये होता है कि लास्ट पेज में आपको ये दी गई होती है कुछ वर्ड्स की सिनोनियम में एंटोनियम के, ठीक है। अब फॉरजन वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, वो ये कह रहे हैं कुछ वर्ड होते हैं फॉरजन वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। वो आपको यानी फॉरजन वर्ड्स होते हैं यानी बाहर के वर्ड होते हैं कुछ, ठीक है, आउटसाइडर यूज होते हैं, यूज फ्रेजेस होते हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर पेज पर शो किए गए होते हैं, ठीक है। आपको अमूमन लिखा गया कि एंड बैक डिक्शनरी के बैक वाले पेज पर आपको शो किए गए होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ गया है, आप एक एक्सरसाइज दी हुई फॉरजन वर्ड्स एंड फ्रेज की, ठीक है। तो ये दी हुई इसको बोलने आप फाइंड करो, तो सिंपल ने ये दिया। अब जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फर्स्ट करें कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी शख्सियत है, तो उसका नाम उन्होंने दिया गया होता है ब्रैकेट में, बोल्ड में, टैली में करके, जैसे कि हमारे इनामा इकबाल होगा, तो उन्होंने मेंशन किया होगा भाई ये कि ये जो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं इनकी। वो यही कह रहे हैं कि डिक्शनरी को आप यूज़ करें और काफ़ी आपका टाइम बचाता है, ठीक है, मच ऑफ योर टाइम हैव सेव, डिक्शनरी आपको काफ़ी सारा बचाता है। किस तरीके से उन्होंने आगे नीचे किया हुआ है, नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। जब आप कोई वर्ड ढूंढने जाते हैं तो ये नहीं कि इसमें होता मिक्स, इसमें आपको सीक्वेंस में लेकर चल रहा होता है, यानी स्टार्टिंग वर्ड अगर ए है तो ए से लेकर जेड तक के जितने भी दरमियान है वो आपको सीक्वेंस में दिया गया होगा, ठीक है। यानी कि इतना सीक्वेंस में वो ये कह रहा है कि एक तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है अरेंज, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट कह रहा है किसी का नाम इससे शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ अशर आसिम अलसलाम, वो ये कह रहा है भाई अगर अशर आसिम अलसलाम है, तीनों के नाम सेम ए से आ रहे हैं, ठीक है, नाम सेम नहीं है, नाम अलग है, लेकिन क्या अल्फाबेटिकल सेम है, तो नाम ए से आ रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर ए एस है तो एस पहले आएगा, एस पहले आएगा, एस पहले आएगा। अब वो ये कहेगा थर्ड लेटर, अगर थर्ड लेटर अगर एच है तो जो पहले इसमें थर्ड लेटर आई है तो आई से पहले क्या आता है एच, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, यानी इतना सीक्वेंस चल रहा होता है। इसी तरीके से एच आई जे के एल, तो अक्षर पहले आएगा, आसिम बाद में आएगा, उसके बाद अरसलान आएगा, इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो होती है, यानी बहुत ही सीक्वेंस में फॉलो होता है, ठीक है। वो ये कह रहा है इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर सेम होता है तो क्या थर्ड लेटर को देखता है, ठीक है। आगे दिया फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, अब वही कह रहा है कि गाइड वर्ड क्या होते हैं, गाइड वर्ड ये होते हैं कि आपको टॉप ऑफ द डिक्शनरी में बोल्ड किया गया होता है, वो फिर आज गाइड वर्ड होता है, ठीक है। तो गाइड जो होता है वर्ड वर्ड आपको ढूंढना हो तो आपको जैसे बोल्ड करके दिया गया होता है ऊपर गाइड बुक में, कोई एक वर्ड बोल्ड किया गया होता है, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि बोल्ड होता है कहाँ पर होता है, टॉप लेफ्ट होता है, राइट पर होता है, ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो इसका रिकैप क्या है, ये कह रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश यू नीड टू नो हाउ टू यूज डिक्शनरी, तो आपको अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं आप लोगों को डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है आनी चाहिए, कि आप इतना ज़्यादा डिक्शनरी यूज़ करेंगे आपको पोटेंशियल लेवल आपका इंग्लिश का अच्छा होगा, ठीक है। इस पे यू इंडिपेंडेंट लर्नर है, ठीक है, आपको एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार बना देगा, ठीक है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल लाइक अ फ्रेंड, ये आपके किसी फ्रेंड से कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला पार्ट खत्म हो चुका है, अब बोल रहे हैं अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है फॉल्क टेल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, द स्टोरीज अबाउट ए नेचुरल इवेंट, तो ये एक स्टोरी दी गई है। इसमें तो स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, पढ़ के आप लोगों ने खुद देखना होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है। इसमें क्या है, तो इन्होंने एक्चुअली आपको पार्ट आपको इसलिए दिया ताकि आपको डिक्शनरी यूज़ करते हुए इसके अंदर जितने भी मुश्किल मीनिंग है वो आप ढूंढें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करना आ जाएगी, कुछ भी अच्छी हो आपको डिक्शनरी यूज़ करने भी है तो आपको ये पैराग्राफ इसलिए दिया गया, ठीक है। तो इसके यहाँ पर देखें नीचे नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आपको उससे आंसर करें, ठीक है। तो पैराग्राफ जो है पेपर के हवाले से बात करें तो आपका पैराग्राफ जो है क्वेश्चन पेपर में आता है, पैराग्राफ दिया गया होता है, उसमें समटाइम काफ़ी मतलब यूनिक वर्ड्स पूछे गए होते हैं कि एंटोनियम सिनोनियम क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स पूछे गए होते हैं जो हमें भी पता नहीं होता। तो बेटर है कि आप पैराग्राफ पढ़ लिया करें, सिर्फ यही नहीं यहाँ दिया हुआ है, इसके अलावा नेट से भी सर्च करें, अमूमन पाँच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब टू फॉल सिनोनियम एंटोनियम इस वर्ड के मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उससे उसे पूछा जाएगा, तो आप पैराग्राफ पढ़ें इसमें देखें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे जो आपका लेक्चर नंबर ख़त्म हो गया, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।